इस मंत्र की जादुई शक्तियाँ तभी ही काम करेंगी जब आप ध्यान लगाएंगे। नहीं, रेनबो डैश। ओह, ये पोनी अपने वंडर बोल्स की हिस्ट्री का एग्जाम कैसे पास करेगी? ऐसे ही उड़ के अपना समय बर्बाद करती रहेगी। मैं उड़कर उसके पास जाती हूँ और बताती हूँ कि उसके पढ़ाई के इस रवैये को देखकर मुझे कैसा लगता है। वो चौंक जाएगी। सरप्राइज। तुमने कैसे किया? प्लीज ट्वाइलाइट, ये दुनिया का सबसे बुरा स्नीक अटैक था। क्या? पर मैंने तुम्हें मुझ पर गुस्सा होते हुए देख लिया था और देख लिया था कि तुम बड़बड़ाते हुए मेरी तरफ आ रही हो। तब तो तुम्हें मालूम ही होगा कि मैं किस बारे में बड़बड़ा रही थी, है ना? हाँ, वंडरबॉल्स की हिस्ट्री का टेस्ट कौन सी बड़ी बात है? नहीं, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये टेस्ट है, एक टेस्ट जो ये तय करेगा कि क्या तुम नए वंडरबॉल्स रिजर्व्स को ज्वाइन कर पाओगी। और वंडरबॉल्स रिजर्व्स का हिस्सा बनकर तुम्हें मौका मिलेगा वंडरबॉल्स में शामिल होने के अपने सपने को पूरा करने का। ये बहुत जरूरी है तुम्हारी जिंदगी के लिए। ट्वाइलाइट, सारे पोनी तुम्हारी तरह एक टेस्ट को देख कर घबराते नहीं है। मैं टेस्ट को देख कर घबराती नहीं हूँ, समझी? सीरियसली, तुम्हारी घबराहट इतनी जोरदार है कि उस पर एक पूरा गाना बनाया जा सकता है। ठीक है, माना मैंने टेस्ट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने टेस्ट के लिए बिल्कुल पढ़ाई ना करो। और मैं जानती हूँ तुम्हारी मदद कौन कर सकता है। मैं, इसमें बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल मजा आएगा। दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी, और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। ये सबसे अच्छी और बहुत मोटी किताब है वंडरबॉल्स की हिस्ट्री के बारे में। पर इसमें जो लिखा है उसे मैं यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचाऊँ? मेरी हैंडी डैंडी स्टडी चेकलिस्ट की मदद से। और क्या? और क्या? फर्स्ट अप, रीडिंग एंड हाइलाइटिंग। रीडिंग और हाइलाइटिंग किसी भी अच्छे स्टडी मेथड में सबसे जरूरी है। इससे स्टूडेंट को पता चलता है कि क्या उसके लिए जरूरी है, अच्छे से बुरे को अलग कैसे करना है, और क्या रखना है क्या छोड़ना है, चीजों का मतलब कैसे समझना है। देखते हैं अब तक तुम्हें क्या समझ में आया है। हाँ? अगर तुम सब कुछ ही हाईलाइट कर दोगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या रखना है और क्या हटाना है, या फिर क्या अच्छा है और क्या बुरा है? हे, मैं इतनी लंबी नहीं हूँ। ओके रेनबो, जाहिर है रीडिंग और हाईलाइटिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो चलते हैं मेरे आजमाए हुए तरीके की तरफ। हिस्ट्री लेक्चर। हाँ रेनबो, नाश्ते का वक्त हो गया है क्या? नहीं। रिसेस? नहीं। क्या हम हिस्ट्री ऑफ वंडरबॉल्स मूवी नहीं देख सकते हैं? नहीं। अब आराम से बैठो और सीखने के जादू का मजा लो, तुम्हें मजा आने वाला है। ग्रेट सेलेस्टिया और लूना की लड़ाई से पहले अर्थ, यूनिकॉर्न, पेगासाई या फिर EUP गार्ड्स की जरूरत नहीं थी, पर लूना को बंद करने के बाद प्रोटेक्टिव पोनी प्लाटून्स बनाई गईं। शांति के पहले सेलेस्टियल एनिवर्सरी पर एक जश्न मनाया जा रहा था जनरल फायरफ्लाई की देखरेख में। एरियल परफॉर्मर्स की एक शानदार टीम को इस जश्न में परफॉर्म करने के लिए चुना गया था। पहली परफॉर्मेंस इतनी शानदार और फुल ऑफ एनर्जी थी कि भीड़ पर एक जादुई बिजली कड़की थी। सब पोनीज इतनी खुश और इतनी उत्साहित थी कि जनरल फायरफ्लाई ने उनका नाम रख दिया था द थंडरबोल्ट्स। रेनबो डैश, क्या तुम किसी भी लेसन को दोहरा सकती हो? हिस्ट्री लेक्चर? नहीं। ओके रेनबो डैश। रेनबो,
रेनबो डैश यहाँ पर। चलो अब हम आजमाते हैं मेरी फेवरेट स्टाइल ऑफ लर्निंग को, फ्लैश कार्ड्स। ओह, इसका मतलब मैं सब कुछ चुटकियों में सीख जाऊंगी। उम्मीद तो ऐसे ही है। कॉलोनल पर्पल डॉट, जो कि चौथे सेलेस्टियल एरा में वंडरबोल्ट्स के लीडर थे, वो जाने क्या। रेनबो, तुमने देखा क्या हुआ अभी? क्या? नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तुम्हारे कार्ड्स पर था। हाँ। प्रिंसेस सेलेस्टिया के ऑफिशियल फ्लाइंग स्क्वाड्रन बनने के बाद उन्होंने उन्हें सम्मानित किया। मिल गया। क्या कह रही हो? वंडरबोल्ट्स का ओरिजिनल लाइटनिंग बोल्ट बैच। रेनबो डैश, मुझे चोट लग सकती थी कागज के टुकड़े से। रियली? और वो कागज का टुकड़ा मेरी आंख में लग जाता तो? अगर तुम ऐसे खेल सकती हो तो इसका मतलब है कि तुम जरूर टेस्ट के लिए तैयार हो। बिल्कुल। वेल, तो फिर मेरे ख्याल से तुम तैयार हो एक पॉप क्विज के लिए, तो हो जाए। हो जाए। ये बताओ EUP का क्या मतलब है? Onis Undercooked Pancakes। ओरिजिनल एरियल टीम को बनाया गया था किसके? सेलेस्टिया के सीरियल सेलिब्रेशन के लिए। ओके, वंडरबोल्ट्स को अपना नाम इस मशहूर पेगासस से मिला था, वो कौन थी? प्लीज कर्नल वॉफल मत कहना प्लीज। हेलो, जनरल ब्लेजिंग डोनट ग्लेज। तो मैंने कमाल कर दिखाया है ना? नहीं, तुमने एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। क्या? पर कैसे? मैं नहीं जानती, मैंने इतने गलत जवाब कभी नहीं सुने, और वो भी सब ब्रेकफास्ट से रिलेटेड। अगर आज तुम्हारा असली टेस्ट होता तो बताओ? तो मेरा वंडरबोल्ट्स रिजर्व में शामिल होने का सपना चूर चूर हो जाता। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, मैं फेल हो जाऊंगी। मैं फेल हो जाऊंगी। और ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी। शायद तुम्हारे फेमस स्टडी मेथड्स इतने भी अच्छे नहीं है जितना तुम्हें लगता है। एक्सक्यूज मी, मैंने उन्हें कई सारे टेस्ट के लिए पढ़ने में इस्तेमाल किया है। हाँ, सही कहा। क्या तुम्हें वंडरबोल्ट्स के प्रीमियम कोरियोग्राफर का नाम पता है? वो। और क्या तुम्हें ये पता है कि सबसे पहली स्क्वाड में कितने पेगासाई उड़े थे? 7। क्या तुम्हें पता है कि प्रिंसेस सेलेस्टिया का सबसे पसंदीदा फ्लाइंग पैटर्न कौन सा है? द इरानियन सन सल्यूटेशन। देखा, मैं टेस्ट पास कर सकती हूँ। जो भी है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती कि मुझे ये बेकार टेस्ट क्यों देना पड़ रहा है। वैसे भी यहाँ सब जानते हैं मैं बहुत अच्छी फ्लायर हूँ। उन्हें अच्छे से जानना और पूरे इक्वेस्ट्रिया के सामने उन्हें रिप्रेजेंट कर पाना भी उतना ही जरूरी है, समझी तुम? हाँ, सही कहा। तुम जैसी किसी पकाऊ हिस्ट्री टीचर ने ही ये टेस्ट बनाया होगा हमें रोकने के लिए। हिस्ट्री के समझ होना बेहद फायदेमंद भी होता है रेनबो। सिर्फ पढ़ाकुओं के लिए। गर्ल्स, वेल, ये पढ़ाकू हिस्ट्री भी जानती है और उड़ भी सकती है। शायद मुझे ही वंडरबोल्ट बन जाना चाहिए। पंख है इसका मतलब ये नहीं तुम उड़ सकती हो, समझी? गर्ल्स, तुम तो जमीन से ऊपर उठ भी नहीं पाती हो। गर्ल्स, रुको। बहुत हुआ, ये कोई तरीका है दोस्त से बात करने का? सॉरी। हाँ, सॉरी। क्या तुम्हारे पास और कोई जरूरी काम नहीं है, जैसे रेनबो डैश को टेस्ट के लिए तैयार करना? मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया फ्लटरशाई, पर मेरा कोई भी स्टडी मेथड उस पर काम नहीं कर रहा। वेल, तुम्हारे टीचिंग मेथड्स अच्छे हैं, पर मेरे पास रेनबो की मदद करने का एक और तरीका है। ओह, वो कौन है? वो कौन है? सेलेस्टिया और लूना, जब वो खुश हुआ करती थी। अब क्या? गमी एक अर्थ पोनी है, विनोना एक यूनिकॉर्न है, और टैंक एक पेगासस है। ये EOP है, जो प्रिंसेस की हिफाजत के लिए है। तुम्हें ये सब कैसे समझ आ रहा है? रुको, ये तो बहुत ही शानदार। मैं इसे देती हूँ
लेती हूँ एक। वो वो क्या, मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गई हूँ और घर जाना चाहती हूँ। अपने वो को यही वो करो वो फुल। कुछ पोनीज थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन से सीखती हैं, तो कुछ पोनीज सीखती हैं गाने से। बूम चिक बूम बूम चिक बूम चिक बूम बूम चिक। पहले के जमाने में थे वंडर बोल्स ऑफ ओल्ड। फायरफ्लाई नाम की जनरल थी, बहुत ही बोल्ड। उसे था एकता पर विश्वास, सबको साथ रखती थी, न डरती थी दुश्मनों से, वो चमके लड़ती थी। और एडमिरल थी फेयरवेदर और कर्नल पर्पल जॉट, हमेशा हाथ पकड़ के देते वंडर बोल्स का साथ। एक एडमिरल थी फेरी लाइट और फ्लैश जनरल थी, उठते थे सबके सब ऊपर न साल की कमी थी। कमांडर इजी ग्लाइडर इनमें सबसे तेज था, इसीलिए वंडर बोल्स का नाम इतना रोशन था। वंडर बोल्स ये वंडर बोल्स वंडर बोल्स ये वंडर बोल्स। ये वंडर बोल्स की हिस्ट्री पर मेरा रैप था। तो तुम्हें समझ आया? हाँ पिंकी पाई। विकी 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 जनरल ये और कर्नल वो, और विकी 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 वो जाते हैं कहीं और। ये बहुत ही बकवास था। क्या नहीं सच में, मुझे ये सब सीखना होगा अभी। और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रियलिटी तुम बहुत बेकार लग रही हो। मैं इस कमेंट को इग्नोर करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। गुड लक। तैयार हो जाओ रेनबो डैश, क्योंकि मैं तुम्हें ले जाने वाली हूँ हिस्ट्री के रोमांचक सफर पर, वो भी फैशन में। मैं अब मॉडलिंग कर रही हूँ बहुत बुरे और सच कहूँ तो खुजली वाले ओरिजिनल विंड बोल्ट्स के फ्लाइंग कॉस्ट्यूम में। खुशकिस्मती से फ्लेयर डी मेयर की मेहरबानी से वंड बोल्ट्स के कॉस्ट्यूम्स अब और बेहतर हो गए हैं, एक शानदार ब्रेथेबल फैब्रिक में बनकर। बेशक वहाँ थोड़े फैशन हिट्स और मिसेस थे। जरा इन बड़ी बेल बॉटम्स को तो देखो, पोनीज उस जमाने में क्या सोचती थी। मैं नहीं जानती, मुझे लगता है जनरल फ्लैश इनमें बहुत अच्छे लगते होंगे। पिंकी तुम असली हो। बेशक मैं असली हूँ, मतलब मैं असली जनरल फ्लैश वंडरबॉल्स की 10वीं लीडर नहीं हूँ, पर मैं पिंकी असली हूँ। और मैं हूँ एडमिरल फेरी फ्लाइट 7 स्क्वाड्रन से। और हाँ कमांडर इजी ग्लाइडर को तो तुम पहचानते ही होगी। और मैंने पहना है कुछ ऐसा जो शायद कर्नल पर्पल डार्ट ने पहना होगा। बस हमें देखो, हमारी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ओह डरने की कोई बात नहीं है रेनबो, मुझे भी इस फैशन शो के नॉनसेंस से कुछ भी समझ नहीं आया होता। सच में? अच्छा तो तुम्हारे पास पढ़ने की कौन सी स्पेशल ट्रिक है? मेरे पास? मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एप्पल्स की हिस्ट्री के बारे में छोटी से छोटी चीज बता सकती हूँ, पर मैंने ये सब सालों खेतों में काम करते हुए प्यार से सीखा है। तुम्हारे पास कितना वक्त है? 12 घंटे बचे। ओह फिर तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है हमें वापस पढ़ाई के ओल्ड फैशन तरीके पर चलना चाहिए। हमारा प्ले कैसा लगा? जरा इन कॉस्ट्यूम्स को तो देखो, इनमें से कुछ तो तुम्हारे अंदर के वंडर बॉल को पसंद आया होगा। और ग्रैनी स्मिथ पहले ग्रैनी स्मिथ से तब मिली थी जब वो फिलाडेल्फिया में एक नन्ही फिली हुआ करती थी। पहले के जमाने में थे वंडर बॉल्स ऑफ ओल्ड। पिंकी रैपिंग बंद करो, इससे रेनबो डैश की कोई मदद नहीं होगी। पहले के जमाने में थे वंडर बॉल्स ऑफ ओल्ड। फायरफ्लाई नाम की जनरल थी, बहुत ही बोल्ड। नहीं नहीं नो रैपिंग नो कार्ड नो कॉस्ट्यूम्स नो प्ले और नो एप्पल्स। मैं ये टेस्ट कभी नहीं पास करने वाली, कभी नहीं। भूल जाओ इसके बारे में। रेनबो मैं इन सब के लिए माफी चाहती हूँ, हमारा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। कोई बात नहीं, तुम मेरी मदद करना चाहते थे, पर मैं इतनी बुद्धू कुछ भी नहीं सीख पाती। तुम बुद्धू नहीं हो, बस तुम्हारे सीखने का तरीका अलग है। अगर अलग से तुम्हारा मतलब है कोई तरीका नहीं तो तुम सही हो। नहीं ये बिल्कुल गलत है। देखा फिर से गलत। और कोई ऐसी पोनी नहीं है जिसने तुमसे ज्यादा डेरिंगटो की बुक्स पढ़ी हो। हाँ लेकिन उससे वैसे भी क्या फायदा होने वाला है। और जोक्स और प्रैंक्स में तुम्हें सिर्फ पिंकी ही टक्कर दे सकती है, पता है? ग्रेट, इतने सालों तक क्लास की जोकर बनी रहने की वजह से मैंने कुछ भी नहीं सीखा। मेरा ये मतलब नहीं था, तुम स्टार हो, क्रिएटिव हो, इन्वेंटिव हो। हे मैं जानती हूँ तुम अपसेट हो, पर इसकी कोई जरूरत।
वो, मैं इसे बस टकराने ही वाली थी। जानती हूँ, तुम इतनी बातें कर रही थी, तुम्हारा ध्यान उस पर गया ही नहीं। पर तुमने उसे कैसे देखा? तुम भी तो मुझसे बात कर रही थी और मेरी बातें सुन रही थी। तुम्हें कुछ भी नहीं आता। एक अच्छी फ्लावर उड़ते वक्त मल्टीटास्क कर पाती है। जब तुम उड़ रही होती हो तब भी? ये जरूरी है। हाँ, मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान दे रही थी, पर साथ ही आसमान और जमीन को भी स्कैन कर रही थी। वाकई में? उड़ना मतलब सिर्फ उड़ना नहीं होता। आसमान में सेफ रहने के लिए मुझे सब कुछ बहुत ध्यान से देखना और सुनना होता है। जैसे कि मैंने एप्पल ब्लूम, स्वीटी बेल और स्कूटेलू को शुगर क्यूब कॉर्नर से बाहर आते हुए देखा, और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो कैरेट कपकेक्स खा रहे स्प्रिंकल्स के साथ। और मुझे लगता है बिग मैक ने किसी अमीर को बहुत सारे एप्पल्स बेचे, क्योंकि वो काफी जोर से ईयप कह रहा था। जब मैं उड़ती हूँ तो हर चीज पे ध्यान देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। ओह माय गॉश! क्या? मुझे जाना होगा। हाँ, मैं समझ गई। मैं भी अपने जैसे लूजर के साथ नहीं घूमना चाहूंगी। मुझसे यहाँ मिलने के लिए थैंक्स एवरीपोनी। बात क्या है ट्वाइलाइट? हमें रेनबो डैश की मदद करनी होगी। हाँ, मगर कैसे? हमने हर तरीका आजमा लिया, मेरा तरीका, तुम्हारा तरीका, पर हमने अब तक रेनबो डैश का तरीका नहीं आजमाया है। इंटरेस्टिंग। ठीक है, सब पोनीज ध्यान से सुनो। प्लान ये है, हे रेनबो, मेरे साथ उड़ने चलोगी? जरूर, मेरे पास वैसे भी कोई नहीं है। हम अभी अभी तो उड़ रहे थे। हाँ, पर जैसा तुमने कहा, मैं इस मामले में नई हूँ और मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, वेल, मुझे यकीन है तुम जल्द ही अच्छी फ्लायर बन जाओगी। आखिरकार तुम वैसे भी हर चीज में अच्छी हो। तो क्या चल रहा है? ओ, कुछ नहीं, बस अपने सपनों को चूर चूर होते देख रही हूँ। कोई नई किताब पढ़ी तुमने? बस हिस्ट्री बुक्स। मैं तुम्हें बताती उसमें क्या लिखा है, पर मेरा दिमाग पत्थर की तरह हो गया है। पत्थर से याद आया, क्या तुम्हें पता है कि पिंकी एक रॉक फार्म में पली बड़ी हुई है? मुझे वहीं जाकर काम करना चाहिए, क्योंकि मैं वैसे भी बेकार हूँ। मैं वहीं चली जाती हूँ। ओह कम ऑन रेनबो, तुम अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ सकती। लगता है मेरे सपनों ने ही मुझे छोड़ दिया है। जूते चमकाना सीख लेती हूँ, या हैट्स बेचना, या गड्ढे खोदना, या फिर शायद तुम एक वंडरबॉल बन सकती हो। ट्वाइलाइट, अब बस भी करो, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो तुम्हें उस फ्लाइट के बारे में क्या क्या याद है? इतना कुछ खास नहीं, बस इतना ही कि जब लूना को चांद पर बंद किया गया था, सेलेस्टिया को एक फौज चाहिए थी, इसलिए अर्थ यूनिकॉर्न और पेगासाई ने मिलकर यूपी बनाया, यानी गार्ड्स ऑफ द प्रोटेक्टिव पोनी पियर ट्यून्स। हाँ, और सेलेस्टियल ईयर ऑफ पीस के पहले जश्न में एक जाबाज फाइटर स्क्वाड्रॉन ने परफॉर्म किया था जनरल फायरफ्लाई की देखरेख में, और उन्होंने वंडरबोल्स को उनका नाम दिया था। हाँ? कमांडर इजी ग्लाइडर ने फ्लाइट कोरियोग्राफी तैयार की, जो वंडरबोल्स आज तक इस्तेमाल करते हैं। यस, मैं हिस्ट्री जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ? तुमने सब सीख लिया? हाँ, वो तो पता है, लेकिन कैसे? वेल, हमारी पहली उड़ान के वक्त मैंने देखा कि तुम उड़ते वक्त आसपास हो रही हर चीज को बारीकी से समझती हो, वो भी उसके बारे में सोचे बिना। तुमने देखा नहीं, मैंने तुम्हारी इस खास काबिलियत को इस्तेमाल किया और हर पोनी को तुम्हारी मदद करने के लिए कह दिया। मैं प्रिंसेस सेलेस्टिया तुम्हें प्रिंसेस लूना को चांद पर कैद करती हूँ। नहीं, यूनिकॉर्न, पेगासस, ए यू पी। यप, चलो हम अपना पहला सेलेस्टिया ईयर ऑफ पीस मनाते हैं। हाँ, चलो पार्टी करते हैं। मैं हूँ जनरल फायरफ्लाई। मेरा कॉस्ट्यूम बहुत ही बुरा और खुजली वाला है, पर मैं एक बहुत ही शानदार फ्लाइंग टीम बनाऊंगी। मैं इसका नाम रखूंगी द वंडरबॉल्स। स्ट्रीमलाइन स्टाइल बाय फ्लेडमेयर। एडमिरल फेयरवेदर। कर्नल पेपर टॉट। एडमिरल फेरी फ्लाइट। जनरल फ्लैश। कमांडर इजी ग्लाइडर।
हिस्ट्री ऑफ द वंडरबॉल्स। ओ माय गॉश, थैंक यू, तुम सबका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। यू आर वेलकम, पर ये सब तुमने खुद सीखा है। तुम जाने बिना ही सब सीख जाती हो। तुम्हारा पूरा ध्यान उड़ने पर होता है, पर तुम्हारा दिमाग आसपास की सारी जानकारी को इकट्ठा कर रहा होता है। वो वाकई बेहद शानदार है। मुझे हमेशा पता था मैं शानदार हूँ। आखिरकार रेनबो डैश वंडरबॉल्स की हिस्ट्री के बारे में सीख गई, पर वो इकलौती ऐसी पोनी नहीं है जिसने कुछ सीखा। मुझे भी कुछ जरूरी सीखने को मिला है। सीखने का एक तरीका दूसरे से बेहतर नहीं होता। आखिरकार हर पोनी अपने आप में अनोखी होती है।